हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं, वो भी अगर 5G वेरिएंट के अंदर में, तो यहाँ पे 11,000 से लेके 15,000 की रेंज के अंदर में टॉप 9 स्मार्टफोन ऐसे बताने वाला हूँ। बहुत ही मिडल रेंज और बजट स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो जुलाई और अगस्त महीने के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। इसमें Xiaomi से 2 स्मार्टफोन है, Realme से 5 स्मार्टफोन है और Vivo Oppo एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है ये बजट रेंज के अंदर 11,000 से लेके 15,000 तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं इस चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। दोस्तों Xiaomi यहां पे 2 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है जुलाई और अगस्त महीने के अंदर में। तो जो पहला स्मार्टफोन है वो है Xiaomi Redmi Note 10 5G। इसमें अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पे MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर दिया गया है, 4GB 64GB मेमोरी है, डिस्प्ले साथ साथ में 6.5 इंच की दी गई है, कैमरा 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, बैटरी 5000 mAh फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और टाइप सी का चार्जर है। अगर इसका हम लोग लॉन्च की बात करें तो जुलाई महीने के अंदर लॉन्च होने के आसार है ये महीने के अंदर। और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो है 14,590। अब दूसरे फोन की बात करें नोट 9 5G की, तो यहां पे आपको सिर्फ 2 चेंज देखने को मिलेंगे। वो है MediaTek Dimensity 800 का प्रोसेसर दिया गया है जबकि Note 10 के अंदर 700 का प्रोसेसर है। इसके साथ में मेमोरी जो है वो थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे 6GB की रैम और 128GB की मेमोरी दी गई है जबकि Note 10 5G के अंदर में 4GB 64GB की थी। लेकिन दोस्तों दोनों का जो प्राइस रेंज है वो सेम है 14,590। अब दोस्तों बात करते हैं Realme की साइड से आने वाले 5G स्मार्टफोन की। तो यहाँ पे सबसे पहला स्मार्टफोन है Realme Q3i। इसमें अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर है, 4GB रैम 128GB मेमोरी के साथ लॉन्च होने वाला है और इसका 6.5 का डिस्प्ले है, साथ में 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, बैटरी 5000 mAh है और फास्ट चार्जिंग एंड USB टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन जुलाई महीने के अंदर लॉन्च होने वाला है और साथ में अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 11,590 प्राइस रखी गई है। बात करते हैं Realme के दूसरे वेरिएंट की, Realme G3 की। तो यहाँ पे MediaTek Dimensity 720 का प्रोसेसर है, 6GB रैम 64GB मेमोरी दी गई है, 6.52 इंच का डिस्प्ले है, साथ में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, ट्रिपल कैमरा है और साथ में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। कैमरा का साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है, साथ में 5000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और टाइप सी पोर्ट यहां पे देखने को मिल जाता है। अगर प्राइस की बात करें तो ये 10,690 रुपीस में लॉन्च होने वाला है जुलाई महीने के अंदर। अब Realme के और 2 Q2 सीरीज के फोन यहां पे लॉन्च होने वाले हैं। Realme Q2 की अगर बात करें, MediaTek Dimensity 800 का प्रोसेसर है, 4GB रैम 128GB की मेमोरी है, साथ में 6.5 इंच की डिस्प्ले है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग टाइप सी के साथ लॉन्च होने वाला है जुलाई महीने के अंदर। 14,290 रुपीस की इसकी प्राइस रखी गई। बात करते हैं Realme Q2i की, तो यहां पे अगर आप देखेंगे MediaTek Dimensity 720 का प्रोसेसर है, 4GB रैम 128GB की मेमोरी है, 6.52 इंच की डिस्प्ले है, कैमरे की अगर बात करते हैं तो 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरा का जो साइज है वो Q2 से थोड़ा सा कम है और बैटरी जो है सेम है, बैटरी में कोई भी यहां पे फर्क नहीं है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 10,890 रुपीस में जुलाई महीने के अंदर लॉन्च होने वाला है। अब बात करते हैं Realme की साइड से और एक फिफ्थ स्मार्टफोन जो आने वाला है, V11। V11 के अंदर आपको MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, साथ में 4GB की रैम और 128GB की मेमोरी, 6.52 इंच का डिस्प्ले, साथ में दोस्तों 30 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा का सपोर्ट है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। कैमरा थोड़ा सा छोटा देखने को मिल रहा है, साथ में 5000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग और USB टाइप सी का सपोर्ट है। अगर इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो जुलाई मोटा मोटी बताया जा रहा है। प्राइस की अगर बात करें तो 13,590 के साथ में ये जो फोन है लॉन्च होने वाला है। ये तो हो गए Xiaomi एंड Realme की तरफ से आने वाले 7 नए स्मार्टफोन। अब बात करते हैं यहां पे Oppo की, तो Oppo यहां पे A53 मोबाइल 5G वेरिएंट में लॉन्च करने वाला है। इसमें आपको MediaTek Dimensity 720 का प्रोसेसर, 4GB रैम, 128GB की मेमोरी, साथ में 6.5 इंच की डिस्प्ले, 16 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 40 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग और टाइप सी के साथ में ये दोस्तों लॉन्च होने वाला है। अगर इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो जुलाई महीने में भी यही फोन लॉन्च होने वाला और इसकी प्राइस जो है 14,990 रुपीस एक्सपेक्ट की जा रही है। दोस्तों बिलो 15,000 की रेंज में 5G स्मार्टफोन वेरिएंट में हमारा आखिरी स्मार्टफोन है V11।
वीवो की साइड से IQ U3X। इसमें दोस्तों अगर बात करें स्नैपड्रैगन 480 का प्रोसेसर है, 6GB रैम, 64GB की मेमोरी दी गई है, 6.5 इंच की डिस्प्ले है और साथ में 13 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा का सपोर्ट है, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी और साथ में फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और टाइप सी चार्जर देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन अगस्त में लॉन्च होने वाला, साथ में अगर इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 13,890 रुपीज के आजू बाजू लॉन्च हो सकता है। ये थे दोस्तों आज के 9 5G स्मार्टफोन, बजट स्मार्टफोन बिलो 15,000 की रेंज में। आप बताइए आपको कौन सा स्मार्टफोन का स्पेक बहुत ज्यादा अच्छा लगा और साथ साथ में प्राइस कंपिटिटिव भी आपको लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही नए वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।